हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए देश भर में बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके दे सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है, 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको तीन चीजें कहना चाहूंगी। पहली, ये सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक म्यूट पर ही रखें। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पर ही बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल के जवाब हम सेशन के दौरान नहीं दे सके, वो प्लीज हमारे केयर गिवर या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आज हमारा जो एक सेंट्रल ग्रुप है वेलनेस का, उसे 4 से 5 बजे के बीच में ओपन कर दूंगी ताकि आप अपने सवाल वहां पे पुट कर सकें। तो प्लीज जिनको भी कोई भी सवाल होगा वो इस ग्रुप में डाल दें। थैंक यू। आज हमारे साथ मिस संध्या जी हैं, ये कैंसर एलुमनाई हैं। आज हमारे साथ ये शेयर करेंगी कि किस तरह से इस कोर्स ने इनकी जिंदगी में बदलाव देकर आया। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फिर हमारे साथ मिस रीना जी जुड़ेंगी। मैम आज हमारे लिए कबीर वाणी से मिलने वाली सीख पर रोशनी डालेंगी। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं और अभी सब लोगों ने डिसाइड कर लिया है संजीवनी के साथ उड़ान भर लेने के लिए और हम लोग अपनी अपनी तरफ से अपना अपना एफर्ट इस उड़ान भरने में करते रहेंगे। एंड संजीवनी अपनी तरफ से जितनी हेल्प हमारी है उस उड़ान को भरने में, वी आर टोटली कमिटेड टू दैट। शंभू, ये सोफा ठीक करना, और अगर कोई आएगा कमरे में तो मुझे बता देना क्योंकि मैं ये सेशन ले रही हूँ। तो या आई होप कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस लाने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों का खाने पीने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। और दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों ने 4 चीजों को खाना बिल्कुल या तो बंद कर दिया है या कम करना शुरू कर दिया है। और वो 4 चीजें हैं सफेद चीनी, दूध, गेहूं एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। अभी इस समय पे जब तक आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग सुबह में अपना काढ़ा जो जॉनिता मैम ने बताया है वो पीते हैं, उसके बाद आप 4 खजूर खाते हैं, उसके बाद आप सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं 12 बजे तक, लेकिन फ्रूट्स पेट भर के खाते हैं। ऐसा नहीं है एक केला खा लिया वैसे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फ्रूट्स पेट भर के 12 बजे तक खाते हैं, 12 बजे ग्रीन जूस पीते हैं, और उसके बाद जब आप अपना खाना खाते हैं तो उसके अंदर कम से कम 30% आपका सैलेड होता है या कच्ची तरकारी होती है। खीरा हो सकता है, बीटरूट हो सकती है, मूली हो सकती है, प्याज हो सकता है, हरा प्याज हो सकता है, ककड़ी हो सकती है, टमाटर हो सकता है, जो भी चीज है। चटनी भी आप बना के खा सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। और खाना जब आप फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आप एक नींबू का रस, उसके अंदर उतना ही अदरक का रस, और उसमें इतनी सी हल्दी और जरा सी काली मिर्च, ये डाल के आप ये शॉट पी लेते हैं। खाने के बाद 4 से 5 बजे के बीच में
आप थोड़े से एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स, उसमें जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी आपको मिल जाता है, मूंगफली, काजू, बादाम और कुछ नहीं तो थोड़ा चना या अंकुरित मूंग, उस समय पे आप खाइए और अपना रात का खाना 7:30 बजे तक खत्म कर दीजिए। खाने में वही 30% दोबारा से कच्ची तरकारी और उसके बाद वही वाला शॉट रात के खाने के बाद भी पीना है आपको। और आपने अपना जो सांस लेने का तरीका है उसको धीमे धीमे आप चेंज कर रहे हैं, अपनी सांस के ऊपर आपका ध्यान है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका अपनी सांस के ऊपर ध्यान थोड़ा थोड़ा अभी टिकने लगा है। दोबारा से बता देती हूँ, जो आप सुबह में योगा और प्राणायाम करते हैं उसमें अपना पूरा ध्यान सांस के ऊपर रखिए और हर एक घंटे में कम से कम 50 सांसें आंखें बंद करके और अपनी सांस पे रखते हुए लीजिए हर एक घंटे में। किसी घंटे में मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, दूसरे घंटे में थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, बट इसको करते रहिए। और जहां पे जिस ऑर्गन में आपकी प्रॉब्लम है उस ऑर्गन में अपनी सांस को लेके जाइए, उसको देखिए कि आपकी सांस वहां जा रही है और सांस आपकी वहां जाके आपकी पूरी बीमारी को अंदर से क्योर कर दे रही है। तो इसको करते रहिए, अपनी हैप्पीनेस की स्टेट, अपनी होपफुलनेस की स्टेट आप बनाए रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके ठीक हो जाने के लिए और आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। हम लोगों ने आज, हम लोगों को कल पता चला कि आप लोग कुछ लोग उस एक्टर को जानते होंगे, सुशांत राजपूत। हम लोग को पता चला कि उन्होंने सुसाइड किया, तो जो उनकी मेंटल कंडीशन उस समय पर रही होगी जिसने उनको मजबूर किया ऐसा कर लेने के लिए, बिकॉज जब आदमी सोचने बैठता है तो कोई भी आदमी ऐसा करना नहीं चाहता है। और मुझे एक्चुअली जहां मैं वॉक करने जाती थी वहां वो मुझे अक्सर दिखते थे और बहुत ज्यादा ब्राइट और वेरी यंग एंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो जब ऐसी चीज हो जाती है तो ध्यान वापस इस बात पर जाता है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखना कितना ज्यादा जरूरी है। और जब भी हमें इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है, हमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा भी डगमगा रहा है, तो हम लोग आपके साथ यहाँ पे हैं। प्लीज हमें फोन करिए, हमें चैट में डालिए, हमसे बात करिए, हमें अपने बारे में बताइए, हमसे पूछिए, हम हर समय पे आपके साथ हैं, हर समय पे आपके साथ हैं, हम 24 घंटा आपके साथ हैं और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ वो दोस्ती निभाए रखें और हम लोग साथ में काम करते रहें। जैसे कि हर चीज बिल्कुल जो है वेव की तरह होती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। अभी खराब थोड़ा सा समय, थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उस होप में रहना है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे तो हमें क्या क्या करना है उस चीज पे पूरा ध्यान रखना है। तो आज हमारे साथ गौसिया, आई थिंक आई वॉन्ट टू स्पेंड 5 मिनट्स इन केस किसी के दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो परेशान कर रहा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है, लेट अस स्पेंड 5 मिनट्स गौसिया प्लीज। हाँ जी मैम, आप लोग प्लीज अपना हाथ उठाएं अगर आप लोगों को कोई ऐसी बात परेशान कर रही है जो आप कहना चाहें, पूछना चाहें।
तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। सरला रॉय जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। सरला जी हाँ जी हेलो हाँ जी बताइए। हेलो मैम जी मेरा मम्मी अभी तो ये ठीक है लेकिन एक ही प्रॉब्लम है दर्द है जलन है बदन में छाती पे। उसके लिए हम एक दो दिन में डॉक्टर को बुलाएंगे और डॉक्टर से ये क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो कायदे का आपको आंसर दे सके और आपको दवाई भी बता सके। रॉय जी डॉक्टर आएंगे एक दो दिन में हाँ तो फिर हम उनसे ये सवाल पूछेंगे क्योंकि ताकि वो आपको बराबर से जवाब दे सके। ठीक है थैंक यू रॉय जी। और कोई किसी को बात करनी है कुछ पूछना है परेशान कर रही है कोई बात तो आप अपना हाथ उठाएं। या सेशंस को समझने में परेशानी हो रही है या अपनी लाइफ में कुछ चेंज जो आप लाना चाह रहे हैं इन सेशंस की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है वो बात हम कर सकते हैं। निशी से पूछिए निशी को क्या कहना है। निशी शॉ निशी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो जी जी मैम मुझे पूछना था कि मैंने न्यूट्रिशन का जो क्लास देखा था मैंने वो क्लास मिस किया था तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा तो उसमें बताया गया था कि गेहूँ नहीं खाना है तो हम मतलब मैं वीट ग्रास का जो जूस लेती हूँ वो कैंसर के लिए वो ले सकते हैं वीट ग्रास का जूस। बिल्कुल 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 वीट ग्रास का जूस ले सकते हैं और वीट ग्रास का जूस आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा ही लीजिए और जो वीट ग्रास है उसको बहुत अच्छे से धोके और तब उसको मिक्सी में चलाइए। हाँ वो घर में ला ले सकते हैं। और पूछना मैम जो आप लोग मतलब मैं यूज कर रही हूँ लेकिन जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं उसमें मतलब पेस्टिसाइड्स भी होते हैं तो उसको क्या उसका कोई तरीका क्या जो कि पेस्टिसाइड्स को निकाल सके उसका कोई तरीका अगर रॉ हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो। आप जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाते हैं उनको पानी में और एक चम्मच खाने का सोडा उस पानी के अंदर डाल के उनको कम से कम 10 से 15 मिनट तक भिगोइए और उसके बाद सुखा के यूज करिए और वेजिटेबल्स को कोशिश करिए कि छिलका उतार के यूज करें। या मैम उसको पानी में भिगो कर रखें खाने का सोडा एक चम्मच डालकर। अच्छा अच्छा हाँ ये ही पूछना था मैं ये था तो इसके लिए पूछना था खाने एक चम्मच खाने का सोडा डालकर पानी में। हाँ जी ओके। और अंगूरित जो आपने बोला था सैलेड के साथ अंकुरित जो खा सकते हैं तो कच्चा एक अंक के साथ तो हमने पढ़ा थे कच्चा और का मतलब अंकित और उसके साथ पक्का खाना पका हुआ खाना नहीं खा सकते हैं तो ये क्या ले सकते हैं लंच के टाइम में सैलेड के साथ। सैलेड के साथ आप अंकुरित मूंग खा सकते हैं लेकिन फ्रूट्स के साथ आपको फलों के साथ पक्का खाना नहीं खाना है कच्ची तरकारी के साथ आप पक्का खाना खा सकते। थैंक यू निशा जी। मैम हमारे रूपल भट्ट को आप सवाल पूछना है। रूपल भट्ट जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी गुड मॉर्निंग। हेलो यस गुड मॉर्निंग रूपल बताइए। हेलो हाँ जी वो मेरा प्रॉब्लम तो उस बार हमारे डिस्कस करने रह गई थी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ और मैं वो सारा फॉलो करना चाहती हूँ लेकिन सुबह जो नाश्ता कर लेती हूँ मतलब फ्रूट से मेरा पेट भरता नहीं है और फिर वो मैं एक या ढाई दो बजे के आसपास लंच करने के लिए जा सकती हूँ घर पर तो उससे पहले बहुत भूख लग जाती है वीकनेस भी आ जाती है
तो उसके लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए और कुछ नहीं। मैंने रोटी बिल्कुल बंद कर दी है, थोड़ी सी सुबह चाय इसलिए लेती हूँ क्योंकि उसका और कोई ऑप्शन मेरे पास अभी तक है नहीं। तो आप अपने साथ टिफिन में थोड़ा पोहा या इस तरह की चीज के लिए जा सकते हैं जो आप 12:30। हाँ तो वो आप पोहा वगैरह ले सकती हैं ना। हाँ लेकिन 12:30 बजे मतलब सुबह आप लिए अच्छे से पेट भर के और फिर 12:30 बजे आप पोहा खा ले। ओके क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम सेटिंग 10 से लेकर 6 बजे तक का मेरा ड्यूटी है मैडम, तो वो टाइम सेटिंग बिल्कुल बंद कर दिया है, वो तो मैं लेती ही नहीं हूँ। लेकिन ये सुबह मुझे थोड़ा इसलिए लेना पड़ता था कि फिर मुझे भूख बहुत लग जाती थी और वीकनेस फील होती थी इसलिए। अब हो गया ना टाइम सेटिंग। ओके ओके थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू रूपल जी। मैम दक्षा जी की एक पेशेंट है, उन्होंने मैसेज पे क्वेश्चन भेजा है। ब्रेस्ट में दर्द करता है, ब्रीथ लेने में तकलीफ होती है 2-3 दिन से। उनका लाइक 54 एज है उनका, यही है उनको मतलब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो प्लीज गर्म पानी से भाप लीजिए, स्टीम लीजिए और गर्म पानी थोड़ा थोड़ा सिप करते रहिए। परेशान होने की बात नहीं है लेकिन उसको स्टीम लेते रहिए हर 3-4 घंटे में जब तक आपको परेशानी है। वैसे आप सभी लोगों को कह रही हूँ हर 2-3 दिन में एक बार स्टीम इस समय पे जैसा समय चल रहा है जरूर से लेते रहिए, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, हम सबके लिए अच्छा। या yes. तो हमारे साथ गौसिया कौन है आज, संध्या? हाँ जी मैम, संध्या जी। संध्या आप हैं हमारे साथ? संध्या जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी जी संध्या जी बोलिए। हाय संध्या कैसे हैं आप? गेहूं की रोटी की जगह बेसन ले लेते हैं पहले। जी मैम। रीना मैम हम लोगों को ये बताएंगी कि हमें अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाने बड़े मुश्किल लगते हैं कभी कभी, वो अगर हम अपने दिमाग की सिंप्लिसिटी, अपने दिमाग की जो एक सिंप्लिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सरलता, अगर हम अपने दिमाग में वो सरलता बनाए रखें तो कितनी आसानी से हम ऐसा कर पाते हैं। रीना मैम कबीर जो कवि थे, सेंट थे, उनके ऊपर बहुत काम करती हैं और उन्होंने जो भी सिखाया बताया वो हमारे साथ शेयर करेंगी। हाय रीना, वेलकम। हाय, थैंक यू रूबी। हाँ जी, नमस्ते आप सबको। बंदगी साहेब कबीर दास जो संत थे, आज से 600 साल पहले जो हमारे बीच रहते थे वाराणसी के करीब, उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया, 100 साल के ऊपर, और उन्होंने काफी दोहे और जैसे कहते हैं ना भर बाजार में चौराहे पे खड़े रहकर सवाल किए। तो अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे हाल, कुछ समाज के हाल कुछ इतने अच्छे नहीं है, परिवर्तन जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। तो हम ऐसा लगता है कि हर बार नई शुरुआत करते हैं, तो आज हम कबीर बानी को लेकर अपने अंदर से शुरुआत करें, ठीक है? जैसे रूबी मैम ने बताया कि ये जो बीमारी है वो उसका इलाज अंदर से करना है, अपने अंदर जड़ी बूटी है, अपने शरीर में अपनी सांस के जरिए अंदर की नीचे तक की जड़ी बूटी को हम ऊपर लाए, अपने मन से जो क्लेश है जो तनाव है उसको हम साफ करें। तो हमारी हर विचार को अगर हम
साफ करेंगे, बदलेंगे, तो उस हद तक हमारे शरीर में भी उतनी उतना हीलिंग, उतना ये अपना रोग जो है वो मिट जाएगा। और मैं 2-3 दोहे आपके साथ शेयर करूंगी और आपका आपको भी मैं सुनना चाहूंगी। तो कबीर तो अपने सबके लिए क्या कहते हैं, हम मानते हैं ना, हमने पढ़ा भी है 8वीं 9वीं कक्षा में। तो मैं 1-2 जन को पूछना चाहूंगी कि आप हाथ उठा के या अनम्यूट करके बताएं आपका कबीर का दोहा कौन सा पसंदीदा है। कौन बताएगा, 1 या 2 जन बताएं कबीर का कौन सा दोहा। हाँ गौसिया देखते रहिए, कोई अगर हाथ खड़ा कर रहे थे। हाँ जी मैम, आप चैट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बीच में अगर आपको कुछ याद आए तो तब बताना, ठीक है। तो एक तो जो कबीर का दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हाँ निशी, आपको भी मैं अभी पूछ रही हूँ 2 मिनट। हाँ, तो जब हमारे ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे ये बीमारी आई है या समाज में हम, जैसे हमने सुना सुशांत राजपूत के बारे में, या कुछ और, ये कोविड का जमाना है, हमारे धंधे, हमारा काम, सब परेशानी है चारों तरफ, तब तो जरूर हम जो भी जिनमें भी मानते हैं उनको याद करते हैं। सुमिरन करना यानी याद करना, हाँ, अपने खुदा को, अपने भगवान को, अपने जो भी हम संत साधु जो भी मानते हैं। तो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जब कल चलो कुछ ठीक हो जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें गिल्टी फील नहीं करना है। गिल्टी आप समझते हैं, अपने अंदर से ऐसे कि मैं कैसी हूँ वैसी हूँ, वो भी अपने आप से प्रेम से प्यार से जुड़ना है और जजमेंट से नहीं, अपने आप को बुरा मानकर नहीं। लेकिन कबीर ये कहते हैं कि अगर सुख के समय में या आज के दिन में, चलो 4 बातें बुरी हो रही है लेकिन 1 बात अच्छी हो रही है कि चलो संजीवनी से हमें सपोर्ट मिल रहा है, या हम आज देखो इतने सारे लोग, अभी कितने हैं, 170 और 180 के करीब, और कई स्क्रीन पे तो 2-2, 3-3 जन है। हम आज 200-300 जन साथ में मिलकर बात कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है ना। तो सुख में भी हम अगर कृतज्ञता भाव अगर हम रखेंगे तो भी हमारा जो मानसिक परिवर्तन है, मानसिक तनाव जो कम होना है वो हो सकता है। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे कबीर के दोहे 8वीं 9वीं में 2-4 मार्क लेने के लिए हमने पढ़े थे, लेकिन आज हम अगर अपने जीवन में उतारें तो जरूर हमारा दिन अच्छा जाएगा और हम कबीरमय जीवन जी पाएंगे। और एक, जैसे कल ही मैंने एक सेशन में बोला था कि जैसे हमारे सबके पास उपाय है, हमारे सबके पास आत्मविश्वास है, और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए तो आत्मविश्वास टूटता भी है लेकिन जाग उठता भी है, ठीक है। तो कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी है, दोस्ती जरूर करनी है लेकिन बैर नहीं करना है। हमारे मन में जो आज तक जो विचार थे कि ये लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, अरे इनके साथ तो बात मत करो, अरे इनके पास मत जाओ, हाँ जरूर कोविड के जमाने में हमें डिस्टेंस रखना है, फिजिकल डिस्टेंस, यानी हमें थोड़ा 3 फीट या जो भी बोलते हैं वो दूर खड़े रहना है अगर पॉसिबल है तो, लेकिन मन में हमें कोई ऐसे दीवार खड़ी नहीं करनी है। तो कबीरा बाजार में खड़ा रहकर बोलता है
तो हमारे पास भी जैसे आप काम पे वापस गए हैं, तो काम पे जाकर आप एक नई सोच से सबको अपनाए, सबको अपना माने, तो भी एक एक आपके अंदर एक प्रेम जागेगा, एक क्या कहते हैं, विश्वास, भरोसा बढ़ेगा। क्योंकि ये सब तनाव जो है ना, वो हमारा भरोसा टूट गया है एक दूसरे के ऊपर से, है ना। हम बात नहीं करते थे और मन में ही कुछ सोच लेते थे, इस वजह से थोड़ा कुछ हुआ है। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। देखिए, हर एक दोहा हमें एक एक चीज बताता जा रहा है, यही है हमारी दवाई, हमारी जड़ी बूटी। कृतज्ञता भाव, एकता भाव, वाणी में सहनशीलता और सौम्य, सरलता किस तरह से हम लाएं। तो अभी चैट में कोई कहता था कि उनको दोहा बताना है, वो कौन थे? हाँ, डॉक्टर सुमन ने बताया है, और ज्योति भी कुछ कह रहा कहना चाहते थे, बताइए। निशी जी भी हैं। हाँ जी, निशी जी बताइए। हाँ जी, निशी, निशी जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी मैम, कैंसर होने के बाद कभी ये भाव हमेशा याद आता है कि दिवस आई खाए, रात्रि बिताई सोई, रा जन्म अमोल था, आटी दियो बनाए। तो ये लोगों को पहले पता नहीं था, जो हमारे लाइफ में कैंसर के पहले हम अपने करियर को लेके और एक दूसरे से लड़ने लड़ने और सपनों को पूरा करने में बिजी थे, जो लाइफ इतना इम्पोर्टेंट है और इतना खूबसूरत है, वो अब जाके लाइफ का इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। और लाइफ में जो क्या जरूरी है, अपने फैमिली, अपना टाइम और खुद के लिए जीना, जिंदगी, ये अभी पता चल रहा है। तो ये अभी उसको वो याद आया। हाँ निशी, हम खो गए थे ना पहले, और बीमारी आई तो हम अपने आप से जुड़े, अपने फैमिली से जुड़े, और हम सही रास्ते पे अब जी सकते हैं, सही रास्ते, है ना। और एक एक दिन हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। थैंक यू निशी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सुमन प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। दूसरा एक दोहा है जिसमें, जैसे कबीर मैं मानती हूँ गणितकार, जैसे एक एक और एक मिलाए तो दो बनते हैं, और एक और एक ग्यारह भी बन सकते हैं, है ना। हम कैसे सोचते हैं वैसे हम बना सकते हैं। तो जिस इसमें कबीर कहते हैं कि जहां दया वहां धर्म है। आजकल धर्म को लेके बहुत बहस हो रहा है, बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, तो कबीर ने एक सरल उपाय बताया कि भाई जहां दया वहां धर्म। जो हम करुणा से, कोरोना का करुणा वायरस बनाना है हमें, जैसे निशी ने बताया कैंसर से एक जीवन जीने का एक तरीका मिला, वैसे कोरोना से करुणा वायरस निकालना है हमें। हाँ, तो जहां दया से हम पेश आएंगे अपने खुद के लिए और औरों के लिए, तो वहां धर्म आ गया हमारा। आजकल देखो, हम खुद के लिए भी दया भाव नहीं रखते, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है ना, लेडीज को तो खास करके शायद ज्यादा लगता है, जेंट्स को भी लगता है, और दूसरे जो जेंडर है उनको भी लगता है कि क्या मुसीबत हूं मैं, मेरी बीमारी यानी मैं मुसीबत बन गई। किसको किसको लगता है ऐसे, हाथ उठाए, है? अपने अंदर ऐसे कोसना कि भाई हाँ, मैंने देखे सरला जी, सबको, सरला जी आपको छाती में बहुत जलन हो रही है, सरला जी मैं आपके मुंह पे देख रही हूँ, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, काश मैं, हम सब एक दूसरे की तकलीफ को थोड़ा सा ले सकते थोड़ी देर के लिए, है कि नहीं। आप हिम्मत रखना। हाँ, और आपके फैमिली आपके साथ है, है ना। तो जहां दया वहां धर्म, खुद को कोसना। देखो ये जैसे निशी ने कहा, ये भगवान की या खुदा की देन है, चलो इसका कोई कारण होगा, और सब चीज में हम कारण ढूंढते नहीं फिरेंगे, हम कहेंगे चलो ये हुआ है अब क्या करना है।
जो हम एक्सेप्ट करेंगे ना, जिस चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे यानी मानेंगे कि चलो हुआ है, मैंने खुद तो जाके आबेल मुझे मार ऐसा तो नहीं किया था, अब हो गया है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अपना खुद का ध्यान मैं कैसे ले सकती हूँ कि मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे और मेरी वाइफ को तकलीफ ना हो, है ना। और जरूर अपने मन की, जैसे रूबी ने बताया, अपने मन की बात जरूर बताइए। और बताने में क्या बहस हो जाती है, अरे तो मैं सुनिए, देखो दो कान दिए हैं हमें, दो बारी सुनना है, एक बारी बोलना है, है ना। और सुनेंगे तब सहज और सरलता से सुनना है, कबीर वाणी को पकड़ के। तो जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप। हमसे लोभ हो जाता है, पैसे के बारे में ही लोभ नहीं, पावर के बारे में भी लोभ। देखो किचन को लेके कितनी परेशानी होती है, किचन एक पावर हाउस है कि नहीं। किचन में जिसका पावर रहा वो पूरे फैमिली में उसका पावर रहता है। अरे भाई छोड़ो, हाँ छोड़ो, हाँ। तो लोभ भी एक पावर का लोभ भी होता है, मेरा सब लोग माने वो भी एक लोभ होता है, पैसे का भी लोभ होता है, चीज वस्तु का भी लोभ होता है, सुंदरता का भी लोभ होता है, हाँ। तो जहां लोभ वहां पाप, कुछ अपने से गलत हो जाएगा तो वो ध्यान में रखें। और तीसरी बात कबीर कहते हैं, जहां क्रोध वहां काल। क्रोध गुस्सा तो आता है और आना भी चाहिए, हाँ गुस्सा आना भी चाहिए, कितना बुरा हो रहा है तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा, गुस्सा आना चाहिए। गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन में से उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट ली थी, लेकिन बोला गया कि तुम्हारा ये काला ये जो शरीर देखकर तुम, हम कहते हैं तुमको अलाउड नहीं है। अरे लेकिन मेरे पास टिकट है, वो वकील थे, वो कायदे जानते थे, वो बोले नहीं बाहर निकलो थर्ड क्लास में जाओ, वो तो नहीं गए। तो उनको दूसरे स्टेशन पे बाहर उनके सामान के सहित आधी रात को निकाल दिया, तब जाके उनको गुस्सा आया। फिर उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में आंदोलन शुरू किया और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, अहिंसा के बल पर रेजिस्टेंस शुरू किया। तो उन्होंने तो मारपीट नहीं की, इसीलिए गुस्सा जरूरी है, लेकिन जहां क्रोध वहां काल। काल का मतलब परिवर्तन भी हो सकता है, काल का मतलब दीवार तोड़ना भी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन। हाँ हम इतना गुस्सा आएगा कि बोलेंगे नहीं आज तो ये हमारे दोनों के बीच की दीवार है ना वो तोड़नी है, नहीं चलेगा। तो इस तरह से हमारा गुस्सा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, हम उसका अच्छे से उपयोग करें, हाँ एक्शन में लाएं, ठीक है। और लास्ट में कहते हैं जहां क्षमा वहां आप। अगर हम अपने आप को क्षमा दे सकते हैं पहले कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने दारू पिया, मैंने गुटखा खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया और उस वजह से शायद मुझे कैंसर हो गया, मैं अपने आप को माफ करती हूँ, मैं अपने आप को माफ करता हूँ। जहां क्षमा वहां आप। आपका मतलब हमारा ही दिव्य स्वरूप। कबीर कहते हैं कबीरा कबीरा क्या करो, खोजो आप शरीर, पांच इंद्रिया बस में करो तो आप ही दास कबीर। कबीर कहते हैं जैसे आजकल के नेता है मेरे पीछे मेरे पीछे, मेरे देखो मुझे देखो, नहीं। कबीर कहते हैं कबीरा कबीरा मत करो, खुद के अपने शरीर में देखो, आपके अंदर के कबीर जो है उनकी सुनो। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, गगन यानी अपने अंदर मस्तक में आवाज हुई जीनी जीनी, उस आवाज को सुनो, अपने मन की शक्ति को पकड़ो, हाँ सांस को अच्छे से लो, एक सांस ली तो कृतज्ञता ली अपने अंदर कि भगवान मुझे ये मौका मिला कि ये अभी बीमारी से मैं इस तरह से बीमारी से लड़ूं, बीमारी को अपनाऊं कि मैं मेरा परिवर्तन हो और लोगों को भी उससे फायदा हो।
है ना। तो कृतज्ञता से सांस ले और क्षमा से सांस छोड़े। हर सांस में कृतज्ञता अंदर और क्षमा बाहर, क्रोध बाहर। ठीक है, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? प्रिया जी, प्रिया तन्ना, मैं आपको देख रही हूँ, आप आगे झुक के और आप ऐसे ऐसे, तो मुझे को लगता है कि आपको कुछ तो ठीक लग रहा है, बताएंगे आप? नहीं, अच्छा ठीक है। अभी इधर इमरान भी कह रहे हैं, कबीर बदल, आप बोलेंगे इमरान आपने जो लिखा है अनम्यूट करके? इमरान जी कबीर में कर दिया आपने, है ना, अपने अंदर से आत्मा को। बोलिए, मैं आपको देख रही प्रिया तन्ना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ प्रिया, बोलिए। मेरे को आपका ये वाणी बहुत अच्छा लगा। मैं सत्संग में रोज जाती हूँ, आनंदपुरी सत्संग में, तो मेरे को सत्संग की बहुत बातें अच्छी लगती है। तो मेरे का जो भी दुख होता है, ऐसा लगता है मेरे को कुछ है ही नहीं, बहुत वो गरी गरी वो ही याद करती हूँ जो सिमरन आपने बताया। सिमरन कीजिए, आपको मन में ऐसा लगे हुए कुछ है ही नहीं। और दूसरों को भी मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप भी ऐसे अच्छे नाम जपते रहिए। गुरु का जो हमने नाम लिया है, हमारे में बहुत है भाई, नाम एक घंटा नाम दीजिए, नाम गुरु का नाम जपिए, तो मैं वो करती हूँ। अभी मेरे को ऐसा लगता है मेरे को कुछ है ही नहीं। बहुत आनंद है आपके मुंह पे जो तेज दिख रहा है ना प्रिया जी। हाँ, वो तेज ही आपकी आपको प्रसन्नता दे रहा है। थैंक यू मैम, दे रहा है। और हमें भी हिम्मत मिल रही है। थैंक यू, हिम्मत मिल रही है, हाथ उठाए प्रिया जी को देखकर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कौन बोलना चाहेंगे? हाँ जी सुनैली जी, प्लीज हाँ जी बोलिए बोलिए, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो, हाँ जी जिज्ञासा करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। कुछ बोलना है क्योंकि हैप्पी तो सभी रहना चाहिए, जो पेशेंट है वो भी सभी, लेकिन घर का कभी कभी घर का हालत ऐसा हो जाए जो हैप्पी रहना चाहूं तो भी नहीं रह सकू। बरोबर है, तो कभी कभी तो उस टाइम पे तो हो जाता है, लेकिन बाद में भी ना माथे में आता है जे क्या हुआ था मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसे। जरूर, तो अभी तो मैंने लिखना शुरू किया मैम, जो लिखने से मैंने दो दिन से लिखना शुरू किया, तो थोड़ा थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन एक बार में तो अंदर से नहीं जाएगा ना मैम, वो तो रह जाएगा। नहीं नहीं जाएगा। और थैंक यू चनेली जी, आपने ये बहुत ठीक बात बताई है, कुछ भी इमोशन आपके भावनाएं को दबाना नहीं है। रोना आता है तो खूब रोना है, डरना नहीं है। देखो, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। आज के कोविड के जमाने में हमें लगता है ना हम सब फंस चुके हैं, और आप अपने लिए सोच रहे हैं कि कैंसर तो है ही और बाकी तकलीफें आ गई, तो रो लीजिए जरूर। ऐसा कोई प्रेशर मत डालिए अपने ऊपर कि मुझे हंसते ही रहना है, वो भी एक हिंसा है। यारे, इतना सब हम कर रहे हैं फिर भी तुम तो हंसती भी नहीं हो, ऐसा भी बोलते हैं ना हमारे फैमिली वाले, क्योंकि उनको चाहिए कि भाई कुछ निशानी मिले
कि भाई हम जो कोशिश कर रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा सहारा मिल रहा है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा या अगर वो मिलने पर भी रोना आ रहा है तो क्या करेंगे आप? तो कबीर कहते हैं जैसे चक्की है ना, चक्की के बीच में जैसे चक्की दो होती है, हाँ, तो चक्की के बीच में जैसे हमें लगता है कि हमारा जो गेहूं का दाना है, हमारा जीवन वो पिस गया, हाँ, तो वो चक्की एक तो होती है मैं क्यों, मुझे ही क्यों हुआ ऐसा, हाँ, वो एक होता है सफरिंग कहते हो जिसको, कि मैं ही ऐसी हूं, मुझे ही ऐसा हुआ है, ईर्ष्या आती है, हाँ, और एक दूसरा इग्नोरेंस होती है कि भाई कोई कुछ नहीं कर रहा, सब मैं ही कर रही हूं, तुम लोग तो अपना मजे कर रहे हो। तो ये अगर विचारों से हमें रोना आ रहा है तो जरूर रो ले, लेकिन उस विचार को भी बदले ना, हाँ, उस विचार को भी हम पकड़े कि भाई ये विचार क्या मदद कर रहा है मुझे, मेरे फैमिली वालों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है कि भाई इतना करने के बाद भी अगर मैं बुरा ही सोचूं, बुरा यानी गलत, यानी गलत बुरा मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन कि भाई तो हमें थोड़ा सा धीरे धीरे एक एक स्टेप लेना है। जैसे चक्की में गेहूं का दाना गया और पिस गया, वैसे नहीं, कबीर कभी कभी रोते भी हैं और कभी कभी ये भी कहते हैं कि चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई, जो कीली, कीली यानी वो बीच में जो किल्ली रहती है जिसके ऊपर ये घूमता है, जो कीली से लागा रहे वाको बाल न बाका होए। बाल न बाका होना मतलब हमें कोई हानि नहीं आना, भले रोग अपना काम कर रहा है लेकिन हमारा शरीर भी मजबूत है ना, तो वो जूझ पाएगा, हाँ। तो इस तरह से हमें जो गेहूं का दाना जो किल्ली के पास गिरता है वो पूरा रहता है, वो पिसता नहीं है। इसी तरह से हमें अपने जीवन में इस तरह से हिम्मत करके परिवर्तन धीरे धीरे लाकर सारी भावनाओं को जीकर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर किसी और को ब्लेम न करके ये तेरी वजह से, ये तेरी वजह से, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी वजह से, वो भी नहीं, वो भी नहीं, उससे ऊपर आकर, उससे बाहर आकर कि भाई हमारे लिए ये एक समस्या है और इसी समस्या में जैसे निशी ने बताया एक आ, 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 गिफ्ट भी है, हा? तो वो गिफ्ट क्या है कि हम अपने जीवन को किस तरह से संवारे, भटक गए थे अब चलो वापस घर आते हैं। और कबीर कहते हैं उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। अभी कोविड के जमाने में सभी को अपनी मृत्यु सामने दिख रही है, कैंसर होने पर भी दिखती है, लेकिन कबीर कहते हैं कि ये हमारा हंस है, हमारी आत्मा है, वो घर वापस जा रही है। ये तो मेला है, ये अपना, ये दुनिया एक मेला है, मेले में कितने दिन रहेंगे, हाँ, पूरा जीवन तो नहीं, हाँ। तो हम ऐसा है कि मेरी माँ को भी बहुत सांस की तकलीफ थी, तो वो बहुत डर डर के उनके भी दिन निकले 2 साल, हाँ। तो मुझे यही लगता था कि हमें, और मैं अपने लिए भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं जीऊं, वैसा क्या जीना, हाँ। तो हमें मृत्यु के साथ एक फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी और इसके लिए कबीर बानी हमारे लिए सबसे बढ़िया है, हाँ, कि हम कबीर बानी को लेकर सोच सकते हैं कि हम तो घर वापस जा रहे हैं अपनी परम आत्मा से मिलने को, इसलिए हमें डरना नहीं है। गौसिया, हमारे पास एक 2-5 मिनट है, क्या मैं एक छोटा सा भजन बजाऊं? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। तो मैं जरा स्क्रीन शेयर करके जी, हाँ? और आप जरा प्लीज पूछिए 1-2 जन को, अगर कुछ बोलना चाहे तो जरा, मैं तब तक ये भजन निकालती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप में से और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बात करना है? फ्लेविया जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए।
हाँ जी, आपको सुनकर क्या क्या समझ में आया या क्या नए विचार आए बताइए ना, मैं वो एक लाती हूँ जो भजन। हाँ सुनाइए भजन। हाँ तब तक आप कुछ बोलिए ना। हाँ हाँ, मुझे तो ये सुन के मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है और मैं अभी उस पे चल रही हूँ और मुझे बहुत अंदर से मतलब ताकत है, ऐसा जितने मन में विचार थे वो कम हो गए हैं। अच्छा। और मतलब बहुत बहुत फायदा हो रहा है ये आपका सेशन और आप जो अभी बोले उसमें, मतलब मन पूरा अभी हल्का लग रहा है। भले डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट जाते हैं सब डॉक्टर बोलते हैं वो चालू है, लेकिन मेंटली एक थोड़ा पीस है। ये लॉकडाउन में भी ऐसे हालत में भी पीस आ गया है थोड़ा मन में। हेलो। हाँ जी हाँ जी, सुना ना। तो मतलब ऐसे हालत में भी अगर घर बैठ के भी मतलब ये आपका सब सुन के इतना शांति है तो हाँ मतलब हम लोग आराम से इसको ओवरकम कर सकते हैं ये हालत। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उतने उतना पीस है माइंड में, चल रहा है, हालत देख रहे हैं, न्यूज में पढ़ रहे हैं और बाहर भी सब दुनिया देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक शांति है कि नहीं सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही जाएगा, नथिंग विल हैपन एंड हम लोग आराम से इस दौर से भी निकलेंगे, विक्टोरियस बाहर आ जाएंगे। जरूर, जरूर ये लग रहा है, कॉन्फिडेंट अंदर से ही कॉन्फिडेंट आ रहा है, एकदम मतलब मजबूत हो गए हम लोग, ऊर्जा एकदम मजबूत हो गए, एकदम मजबूत मजबूत हो गए अंदर से। हाँ। अभी मतलब कोई चीज से डरेंगे नहीं, ऐसे मतलब अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई है कि वी विल नॉट गिव अप और हम लोग इसमें सभी लोग विक्टोरियस वी विल कम आउट। एब्सोल्युटली, इतना मतलब फायदा हो रहा है ये आपका सेशन, ये पूरा संजीवनी जितने भी अरेंज किए बहुत हमको फायदा हो रहा है। दिस इज माई पर्सनल, मैं बोल रही हूँ, हालांकि 3 बार अभी मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट बट आई डोंट हैव अभी कोई फियर नहीं है, इसके लिए मैं एक भी सेशन मिस नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अंदर से कॉन्फिडेंट आता है, भले डॉक्टर बोले लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई एम गोइंग टू कम आउट विक्टोरियसली एंड आई एम गोइंग टू लिव 100 years एंड ऑल विल लिव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू। चदरिया, जो कबीर कहते हैं अपना जीवन एक चदरिया है, तो चदरिया में ताना बाना रहता है ना, आप में से काफी लोगों को वीविंग भी आता होगा, है ना, निटिंग वीविंग ये सारे हाथ की कुशलताएं, हाँ साड़ी भी हम पहनते हैं, तो चदरिया जो है उसके ताना बाना होते हैं, तो कबीर, मैं समझती हूँ कि कबीर कह रहे हैं ये ताना बाना और चदरिया डाग डगीली हो जाती है, फट जाती है, तो ये ताना बाना अपने मन के विचार और दिल की भावनाएं होती है, तो हम दिल और दिमाग को साथ में लेकर ये ताना बाना हम इस तरह से सूक्ष्म और सरल बनाएं तो हमारे जीवन की चदरिया एकदम साफ और एकदम डाग डगीली जो है वो पूरी धुल जाएगी और हम अच्छे से जीवन जी पाएंगे। आप सुनिए ये मुख्तियार अली हमें कैसे समझाते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम 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 जे राम नाम रस दीनी, चदरिया झीनी रे।
कमल दल चरखा चाले, कमल दल चरखा चाले, ये पांचों रंग की पूरी अष्ट कमल दल चरखा चाले अष्ट कमल कमल अष्ट कमल दल चरखा चाले पांचों रंग की थोड़ा सा जस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें जो चरखा चाले कहते हैं ना कि 24 आठ अष्ट कमल दल चरखा चाले यानी 24 घंटे हमारी सांस का चरखा चल रहा है और पांच रंग की पूंजी यानी पांच तत्व से हमें बनाई गई है हमारे पांच सेंसेस जो है ना तो उससे हम जीते हैं इसको और फिर कहते हैं कि 9-10 लाग बुनन को लागे हमारा शरीर 9 महीने बनाने को लगा है और फिर हमें ये मिला है तो इसको हम किस तरह से ये हमारी चदरिया है और हमने मैली कर दी अपने शरीर को अपने जीवन को मैली कर दी तो हम अब क्या करेंगे कोई बात नहीं पुराना जो गया जो हो गया वो कोई बात नहीं उसके पीछे हमें कुछ किसी को कोसना नहीं है अभी इस समय इस मौके से इस मोमेंट से हम कैसे आगे बढ़ेंगे है ना तो आगे भी कभी कहते हैं कि धोबी को धोने दी तो धोबी हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं अगर कोई हमें कुछ बोल देता है चनेली जी तो वो हमारे फैमिली मेंबर्स शायद धोबी के जैसे हमें पटकते हैं सूरत शिला पर पटका पटका यानी हमारी सूरत हमारे हम अगर ज्यादा कुछ ऐसे नहीं कह रही आपको
लेकिन मैं भी अगर कुछ ज्यादा एक ही सवाल पे एक ही विचार को लेकर फंस जाती हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स कहते हैं बस बस हमसे नहीं देखा जाता अब इतनी तकलीफ आपको हो रही है। तो वो जैसे धोबी को अपने चदरिया दी और उन्होंने सूरत शिला पे पटका, यानी हमें ध्यान में लाया, हमारे ध्यान में लाया कि बस करो, बस थोड़ा सा संभालो अपने आप को। इस तरह से भी हम देख सकते हैं और उनको कह भी सकते हैं कि थोड़ा सा आप भी थोड़ा धीरज धैर्य रखो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा रित आए फल होए। हम उनको एक दोहा ये बता देंगे, वो हमें दूसरा बता देंगे और इस तरह से हम अपने कबीर के साथ जिएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रूबी आप कहना चाहोगे? आप इतना सुंदर बोलते हो उसके बाद कहने को समझ में ही नहीं आता है कि आप बोलो। आज आपने पता नहीं रहता मैंने ज्यादा समय लिया या कम लिया, लेकिन जो भी मैं अपने अंदर से कबीर को पुकारती हूँ और आपके आपके पास लाती हूँ, मुझे भी थोड़ा I know. और इतनी खूबसूरती से आप सबके सामने लाते हो और सबको बात इतनी जल्दी समझ में आती है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक सेशन कर रहे हैं एक बैच के साथ, दो सेशंस कर रहे हैं खाली, लेकिन लोगों को मुझे लगता है कि बात बहुत ही अच्छे से रीना आप कनेक्ट कर पाते हो सब लोगों से। और मुझे आज इतनी बड़ी बात और इतनी खूबसूरत बात बोली आपने कि हम लोग को मृत्यु से दोस्ती कर लेनी चाहिए और ये ही एक एफर्ट है। और जिस दिन वो हो जाती है, जिस दिन बहुत बात बहुत ज्यादा गहन है, बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको उतना समझना भी आसान नहीं है, काम करना तो मुश्किल है ही है, लेकिन जिस दिन वो हो जाता है जिंदगी का असली मजा उसी दिन से आना शुरू होता है। क्योंकि हम तब तक तो मृत्यु के डर में जीते हैं बट मरते रहते हैं, हर क्षण मरते रहते हैं उस डर की वजह से। और जिस दिन वो डर खत्म हो जाता है, और डर कब खत्म होगा? जब आपकी दोस्ती हो जाएगी कि ये भी मेरा है, जैसे जिंदगी मेरी है वैसे मृत्यु मेरी है, जैसे स्वस्थ शरीर मेरा है वैसा ही जिसमें बीमारी आ गई है वो भी मेरा है, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूं, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूं और उसके साथ काम करते रहूं। तो ये जो आपने आज बात बोली बहुत ही खूबसूरत है, मेरे साथ भी रहेगी, अभी काफी दिनों तक रहेगी एक्चुअली। तो हम सबको वही काम करना है कि अपनी दोस्ती कर लेनी है अपने आसपास की परिस्थितियों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने दिल में दिमाग में जो आता है, जो हमारा पुराना है, जो हमें लगता है आने वाला है, सबसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और जब दोस्ती हो जाती है तो डर खत्म, और डर खत्म तो फिर जिंदगी का मजा आता है। Isn't it very beautiful? Such a beautiful session. Thank you. Such a beautiful session. Garcia, we have something? Ma'am, Sandhya ji hai hamare saath. Sandhya ji, please apne aap ko unmute kariye. Haan ji, Sandhya ji. Please unmute kare. Agar network mein problem hai Garcia, to kisi aur din kar lete hain. Haan ji, ma'am. Ma'am, ek क्वेश्चन है जो दिनेश जी का है। मैं भी देख रही हूँ उसको काफी समय से। दिनेश जी बताइए क्या क्वेश्चन है आप। दिनेश जी प्लीज गाय में इतना नहीं उलझना है, बताइए। हाँ मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। मैडम वाइफ को डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज शी इज बिलोंग्स टू हरियाणा। तो हमारे पास जो गाय का दूध ले रहे हैं वो देसी गाय का ले रहे हैं और शेफ हेल्थ से आ रहा है। हाँ जी।
तो वो क्या है कि छाछ पीती रहती है पूरे दिन, और मतलब छाछ उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूध और दही भी छोड़ देगी वो। तो क्या देसी गाय का छाछ उसको दे सकते हैं छाछ के अलावा? तो बाकी तो वो छोटा मोटा से जैसे वीट ग्रास हो गया, गिलोय हो गया, ये सब चीजें दे रहे हैं उनको, चकुंदर का जूस हो गया। इसके अलावा उसको जो उसको फूडिंग के अंदर जो आपने बताया था, राजगिरा हो गया, कुट्टू का आटा हो गया, और उसके साथ में मूंग का आटा मिक्स करके उसको रोटी दे रहे हैं, वो ले रही है वो। अच्छा। तो मेरे को तो छाछ चाहिए ही चाहिए हर कीमत पे। उनको दिन में कितने ग्लास छाछ चाहिए ये बताइए? वो 1.5 से 2 kg पी लेती है। 2 kg? 1.5 से 1 kilo तो आराम से पी लेती है, मतलब पूरे दिन में, मतलब सुबह वो 8 बजे से लेके 2 बजे तक थोड़ा थोड़ा गिलास करके पीती रहती हैं। तो मैं आपको ये बात बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये सिप करना अच्छा लगता है। उनके लिए नींबू पानी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। छाछ को जितने समय तक बीमारी है, जितने समय इलाज चल रहा है, कम करते रहिए, काफी कम करिए, क्योंकि दूध की जितनी भी बनी चीजें होती हैं, हालांकि छाछ उनमें सबसे अच्छा होता है, जितनी दूध की बनी चीजें हैं छाछ उनमें सबसे अच्छा है, लेकिन इससे बलगम क्रिएट होता है, और इस समय पे हमें बलगम को नहीं क्रिएट करना है। अच्छा मैडम, एक थोड़ा और बताना मैं चाहूंगा आपको। हाँ, मेरी शादी को 25 साल हो गए, 25 साल में उनको आज तक बुखार भी नहीं हुआ, मैंने उनको पैरासीटामोल भी नहीं दिया आज तक, बट अचानक वो क्या थी, वो तो सुबह बिल्कुल एक तरीके से साधु संत है, सुबह वो छाछ दही पीती है और शाम तक योगा प्राणायाम ये सब करती है, और आज भी वो कर रही है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ में नहीं आया उनको हो कैसे गया, बाहर का कुछ वो खाती नहीं थी, गाय का दूध घी और यही यूज करती है, ये गाय का बिल्कुल बिल्कुल देसी गाय का जो अपन को बोलते हैं ना गिरी गाय का जो राजस्थान के अंदर होती है उसका यूज करती थी, बाहर का कुछ खाना नहीं था, मेरे को लगता भी नहीं था, लोग हमारे को देख के बोलते थे कि ये लोग कभी बूढ़े भी होंगे कि नहीं होंगे। पर अचानक ये कभी कभी आप हमारे साथ सैटरडे को थे, सेशन करूंगी सभी लोगों के साथ जो अच्छे होने का हमारा कॉन्सेप्ट है और जो सेंटली हमारा होने का कॉन्सेप्ट है उस पे हम लोग एक दिन बात करेंगे। तो दिनेश, बेसिकली ये अंदर की गांठें होती हैं जिनको खुलना चाहिए, लेकिन खुलेंगी तभी जब वो सेशन खुद से अटैक करेंगी। सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, सांस आपका अंदर किस तरह से जा रहा है। आपने बोला कि वो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। देखो दिनेश, इस बात को अच्छे से समझो कि जिस दिन आपकी सांस सही तरीके से जाने लगती है अंदर, योग और प्राणायाम उसी दिन ठीक होने लगता है, और जब सांस की समझ हो जाती है तो फिर कोई बीमारी पास नहीं आ पाती। ठीक है, तो हमें कई बार लगता है कि हम बड़ा अच्छा रोज सुबह योगा कर रहे हैं, रोज सुबह सुबह प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन जब हम वो कर रहे हैं तो उसमें हमारी सांस की समझ कितनी है। जब हमने ये आसन किया तो उसके साथ जब सांस अंदर जा रही है तो हमें अपने शरीर में दिख रही है क्या कि सांस कहाँ कहाँ जा रही है, या हमारा दिमाग बाहर है लेकिन हम योगासन कर रहे हैं। तो सांस के ध्यान को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैडम वो तो विपाशना वगैरह भी करती हैं, काफी विपाशना वगैरह, क्योंकि वो चीज वेरी मच स्पिरिचुअल, और चलो इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल देता हूँ, वी आर द ऑल्सो फॉलोअर सिंस लास्ट 15-20 years। So we are doing the all kind of meditations like laughter meditation, vipassana,
और जितने भी ये मोटिवेशनल वगैरह, तो शी इज हाईली मोटिवेटेड, मुझे उनको मोटिवेट करने की जरूरत भी नहीं है, बट मुझे तो यही समझना क्या उसको छाछ दही वगैरह में से दूध खत्म कर, दूध बंद कर दें या छाछ चलने दें? देखो दूध तो एकदम बंद कर दो, छाछ जितना कम कर सकते हो कम कर दो, और दिनेश आप खुद भी ये बात समझ लो और अपनी वाइफ को भी समझा दो कि कोई चीज तो मिस हो रही है, उसको खुद ही पकड़ना है, ठीक है ना। हम लोग अक्सर ऐसा सोचते रहते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, अगर सब कुछ सही कर रहे होते तो उसका रिजल्ट भी एकदम सही ही होता। योगी होते हैं ना, दो दो साल, 200 साल, 250 साल जीते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कैसे जीते हैं? क्योंकि उनको सांस समझ में आ गई। तो पहले तो ये एक्सेप्टेंस करो कि हम अभी तक अपनी लाइफ को जिस तरह से जी रहे थे उसमें कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिस हो रहा था, क्योंकि जब तक ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कैसे उसके ऊपर काम करोगे दिनेश? अगर मैं यही सोचते रहूंगी कि मैं तो सब सही कर रही हूँ तो मैं कैसे फिर अपनी जिंदगी में चेंज लाऊंगी? कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा सा भी चेंज तो चाहिए ना, है ना? कहीं मैडम तो एक क्वेश्चन और था। हेलो, हाँ जी बताइए मैडम। उसमें जैसे उनका कीमोथेरेपी है, 6 कीमो लगेगा उनको, तो डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि आप प्रोटीन आइटम्स थोड़ा ज्यादा लीजिए, तो प्रोटीन्स में वो नॉन वेज, मतलब वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज वो बिल्कुल लेती नहीं है, और उनको सजेस्ट कर रखा है कि आप थोड़ा बहुत कुछ नॉन वेज ले लीजिए या कुछ प्रोटीन के लिए वो बार बार सजेस्ट करते हैं, तो फिर प्रोटीन का अल्टरनेट क्या कर दें हम उनको? जो डाइट हम बता रहे हैं उसमें जितना प्रोटीन एक आदमी को, नॉर्मल आदमी को चाहिए और जितना वो प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है उतना उसको मिल जाता है। जो डाइट हम आपको बता रहे हैं उसके अंदर उतना प्रोटीन मिल जाता है जितना हमारे शरीर को जरूरत है और जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि बात सिर्फ खाने की नहीं है, बात उसको पचाने की है, उसको एब्जॉर्ब करने, है ना। एनिमल प्रोटीन इसीलिए इस समय पे मना करते हैं क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होता, एब्जॉर्ब करने के लिए जो शरीर में पूरा ताना बाना चाहिए वो नहीं होता है उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने। थैंक यू दिनेश जी। मैम हर्षिता जी हैं, उनको आपसे कुछ पूछना है। बताइए हर्षिता जी। हर्षिता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। कैसे हैं आप? ओके मैम, ठीक हूँ मैम। मैं एक सवाल पूछना चाहती थी। मैं चाय के बिना 2 दिन रही, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। न तो मैं चाय बिना रह सकती हूँ, न मैं दूध दही के बिना रह, लेकिन अभी कुछ नहीं ले रही हूँ मैं। कल चाय एकदम ले रही हूँ, शाम को सुबह मैंने बंद कर दी, दूध भी मैंने बंद कर दिया, लेकिन कर नहीं पा रही, तो मैं और कुछ नहीं ले पा रही। बंद है, खुलता नहीं इस चक्कर में। हर्षिता आपको चाय लेने के लिए नहीं मना किया है, आपको ये बोला है कि जब आप अपना चाय का पानी उबालते हैं उस समय उसके अंदर इलायची, दालचीनी, तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपको चाय की पत्ती डालनी है तो थोड़ी सी डाल लीजिए। ओके मैम, ये सब मैं नहीं ले सकती हूँ ना, जलन होती है, इलायची, तुलसी, ये सब पत्ते, काली मिर्च वगैरह जो डालती हूँ ना उससे मेरे को छाले हैं, तो मैं वो नहीं कर पाऊँ, सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ सुबह। तो आप अगर हल्दी डाल के, उस दिन आपको जोनिता मैम ने बताया था, और उसमें बिल्कुल हल्की सी, बहुत हल्की सी काली मिर्च, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और तुलसी से आपको छाले बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अच्छा तो है, मैं समझती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मुझे आंसू आ जाते हैं, जरा सी भी मिर्ची का थोड़ा दाना भी अगर किसी चीज में डाल देती हूँ मैं बहुत परेशान हो गई। ओके, तो हम लोग ऐसा करते हैं, जोनिता मैम को 1-2 दिन में दोबारा से क्वेश्चंस लेने के लिए बुलाते हैं,
तो आप एक बार उनसे फिर से चेक कर लीजिएगा, लेकिन जो भी चेंजेस ला रहे हैं उनको धीमे धीमे लाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसको एकदम से करने की बजाय धीमे 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 करिए। मैंने दूध तो बिल्कुल बंद कर दिया, छाछ दही सब बिल्कुल बंद कर दिया। बनाना पीती हूँ सुबह एक बनाना पानी में और गुड़ में बना के, पानी और गुड़। तो जानिता मैम ने आपको बादाम के दूध के बारे में बताया था, हर्षिता हाँ जी बादाम के दूध के बारे में बताया था। इनफैक्ट अगर मेरे ख्याल से जानिता मैम है गौसिया, इफ शी वांट्स टू टेक दिस क्वेश्चन जस्ट सी। यस मैम, जानिता मैम, यस मैम, हाँ जी हेलो हेलो मैम नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते, कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास, बोलिए। वीडियो चालू नहीं कर रही मैम, मैं तो ये सब लेने से परेशानी हो रही है, चाय बंद कर दी मैंने, दूध वगैरह सब बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं मतलब क्या खाऊं तो समझ में नहीं आता पूरे दिन में। नहीं मतलब आपको सुबह उठ के पहले ही बताया था कि आपको फ्रूट पे रहना है या खजूर। हाँ, वो सब लेकिन मैं पानी में लेती हूँ बनाना, सुबह उठते ही पहले गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद मैं 12:30 एक बजे जैसे यहाँ बैठती हूँ मीटिंग में, उससे पहले एक बनाना को गुड़ पीस के डाल के उसमें पानी में एक गिलास पीती हूँ, एक बनाना। पर वो एक ही अगर खाओगे तो आपको भूख नहीं लग रही है? लगती, वही तो कह रही हूँ। फिर मैं 2:30 यहाँ से मीटिंग से उठने के बाद मैं दाल के 2 कटोरे नींबू डाल के पीती हूँ, उसके बाद सारा दिन मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, कुछ खा नहीं पाती हूँ। और कौन सा फ्रूट है, और कोई भी फ्रूट केले के सिवा और कुछ खा सकते हो? और केले में जब आप पानी में डाल के वो जूस बनाते हो तो 2-3 खजूर को भी उसमें डालना है। खजूर जो है उसकी बीज निकाल के उसको पानी में भिगाना है और उसको केले के साथ एक ग्लास पानी के साथ मिक्स करने के बाद वो आपको खाना है। इसमें दूध नहीं डालती हूँ, पीना अच्छा नहीं लगता, वही पीऊँ मतलब अच्छा लगे ना लगे पीना मुझे वही है। नहीं 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 बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, जो चीज अच्छी लगे, अच्छा नहीं लगे तो नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगेगी वो आपके शरीर को नुकसान देगी, फायदा नहीं होगा। तो आपको हाँ मुझे पता है चाय, आपको पता है मेडिकल कॉलेज में होने के बाद मुझे 20 कप चाय की आदत थी और उसे तोड़ने के लिए कम से कम 6 महीने या 3 महीने के तो ऊपर लग ही गए। मुझे 20 से 10, 10 से 5, 5 से 1 वैसे करना था, फिर भी मुझे वक्त लगा, फिर भी मैं काली चाय मतलब पानी गर्म करके एकदम बिल्कुल एक चिमटी लेके चाय की पत्ती ताकि उसका नाम दिखे। तो उस सब चीज के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो भी खाना है वो मन से, हम कैसे कहते हैं कि मेमोरी बोलते हैं, याददाश्त, याद होनी है। अब ये खाना मुझे खुश करता है तो आपको कोई भी चीज कम कर दूं पहले तो फिर बंद कर दूं ऐसे कम हाँ, धीरे धीरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहले कम करना है और इसके बाद जो आपको अच्छा लगे तब तक आपको ही पता चले, आपका शरीर बात करेगा, इच्छा पहले मन बात करेगा। हाँ पहले मेरी इच्छा तो होती है बंद कर दूं मैं सब चीज, बहुत इच्छा होती है जल्दी सी। एग्जैक्टली ऑलरेडी ऑलरेडी देखो ऑलरेडी आपने बीज तो बोल क्या है, हाँ बस थोड़ा सा और सबर कर लो, जरूर पौधा निकल आएगा। आप ही मुझे एक दिन सुबह चाय छोड़ दी, मैंने शाम को पीती हूँ सिर्फ, सुबह छोड़ दी मैंने, सुबह मेरे को याद ही नहीं आती काम करने में, सुबह टिफिन विफिन बनाने। देखो देखो तो यानी बहुत बढ़िया बिल्कुल, तो वैसे ही हाँ तो वैसे ही होने वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जो चीज आपको पसंद है, आपको खुश लगता है, खुशी होती है, वो उस बस आपके लिए मात्रा, अगर वो हमारे न्यूट्रिशन डाइट में नहीं है और फिर भी वो आपको अच्छा लगता है, उसकी मात्रा कम करके 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 फिर
उसको बंद करना है, ठीक है। ड्राई फ्रूट अगर खाना हो तो कैसे खाऊं मैं, क्या बात हो सकती नहीं हूँ मैं। हाँ तो उसको भी मिक्सी में डालना है, पाउडर बनाना है। ड्राई फ्रूट का मतलब क्या, अब क्या किसके बारे में कह रही हो? जैसे काजू हुए, बादाम या पिस्ते, जो भी है। हाँ तो आपको दो चीज उसको मिक्स नहीं करना है, जो आप काजू बादाम सिंगदाना अखरोट, हाँ उसको आप अलग से, मतलब बादाम का पाउडर खाना है तो बादाम का पाउडर बनाओ, फिर एक चम्मच ग्लास में डाल के उसको, मतलब मैं बना के भी रख सकती हूँ, आप बना के भी रख सकते हो सूखा पाउडर, हाँ, और जब चाहिए उसको एक ग्लास पानी करके पी सकते हो, ठीक है जी मैम। और क्या किसी में भी डाल के खा सकती हूँ ऐसे पीस के पाउडर के साथ, जी के भी पीस सकती हूँ, ठीक है। हाँ जी धन्यवाद मैम। हर्षिता थैंक यू, बाय मैम। हर्षिता लेकिन एक केले से काम नहीं चलेगा, जब आप सेशन अटेंड करने बैठते हैं तो उससे पहले जैसे जॉनिता मैम ने बताया, एक ही केला लिया मैंने, खजूर पपीता आम खूब अच्छा पेट भर के उसको पीजिए, आपको समझ आ रही है ना बात? तो मेरा पेट नहीं है मैम, नहीं खा रही। हाँ हाँ मैम वो कह रही है कि इतना नहीं खा पाती हूँ मैं। हाँ पीते पीते रहिए लेकिन पेट भरा होना चाहिए जब आप सेशन के लिए बैठते हैं, नहीं तो मुझे लगता रहेगा भूखे भूखे लोग बैठे सामने। रात को तो मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं होता है, रात को मेरा कुछ खाने को खाना खाने को दिल ही नहीं होता है, बस एक टाइम इस टाइम खाती हूँ 2 बजे, उसके बाद कुछ खाने को इच्छा नहीं होती। तो जॉनिता मैम ने सूप बताया था ना, सूप पीजिए, कद्दू का सूप, लौकी का सूप बहुत अच्छा होता है, पीजिए, ताकत कैसे आएगी जब तक नहीं पिएंगे, है ना। भले भले दो दो घूटी, आपको क्या करना है, आप हमारे क्लास के लिए बैठ ना, जब 11:15 को बैठते हो तो एक बड़ी ग्लास में जो तुम्हें पसंद है फ्रूट का जूस जो भी है उसमें खजूर डाला हुआ, और उसको खाली दो दो घूंट ही पीना है, पूरे 2 घंटे या 1.5 घंटे आप बैठते हो हमारे साथ तो घूंट करके ही पीना है। लेकिन देखिए एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि बॉडी को दो काम है आपके आपके लिए, हम सबके लिए अगर एक काम है तो आपके लिए दो काम है, एक तो सफाई करनी है और आपको ताकत देनी है। अगर आप ताकत आप सिर्फ एक केले पे रहोगे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा पता नहीं। बीमारी के बाद मेरा मतलब भूख तो लगती है, कुछ खाती हूँ जल्दी पेट भर जाता है, ये क्या है पता नहीं। बिल्कुल डरो मत ना, डरना मत, और यही सोचना है कि हाँ मुझे तो स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। बाय मैम, थैंक यू, बाय बाय बाय। थैंक यू हर्षिता जी, थैंक यू जॉनिता मैम। मैम आपके लिए एक सवाल और है, चैट पे है कि वी वेर टोल्ड to grind a whole lime and take it with warm water in the morning, but this YouTube he has shared some link that but this YouTube video says that lime seeds are bad, what to do? Lime seeds are, we are not encouraging lime seeds. Yeah, lime juice only, and bring the water down, then add the lime juice, and if you don't feel, if you are not mentally prepared or unhappy about it, all we are saying is that lots of research is being done on lime and it is now almost replacing chemo, like you know they keep saying that it does the same chemical action of chemo, is the same action taken by lime, and slowly the world is recognizing that lime has had a massive impact on our health. Okay, so when you take lime juice and it, the moment it mixes with your saliva, automatically your body starts getting alkaline. Okay, so there will be lots of YouTubes for and against. We have to just check for ourselves. If you have this warm water with lime and you start vomiting and you have loose motions,
then definitely stop. But don't listen to, and we are not even saying that listen only to us. We are also saying try it on yourself. If you feel you are uncomfortable, you are having allergic reaction to Lyme, stop it. If not, continue. Start with very little. Maybe start with half a Lyme in one glass of warm water. But if it doesn't work for you, stop it. And if it works, increase it. Okay? Thank you, ma'am. Thank you so much. Gaussia, Priya, kuch Reena ma'am se baat karna cha rahe hain. Haan ma'am, but Reena ma'am online nahi hai. Acha. मैम आपसे मेघना माथुर जी बात करना चाह रही हूँ. मेघना माथुर जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए. हाँ जी मेघना जी. हेलो रूबी मैम. हाय मेघना, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया. बताएं मैम, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इन दिनों जैसे कोरोना का चल रहा है ना, तो वैसे तो 6 इयर्स हो गए मुझे तो, पर सब लोग ये कहते रहते हैं कि तुम बाहर मत निकलना. मतलब जैसे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं सुबह सुबह जॉब पे, उसके बाद तो यदि वेजिटेबल्स लानी है, कुछ भी सामान लाना है तो मुझे ही लाना है. और लॉज भी मतलब बीमार ही रहते हैं तो मतलब फिर वो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए भी क्योंकि सब लोग ऐसे बोलते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? एक्चुअली नहीं निकलना चाहिए क्या? निकलना तभी चाहिए किसी को भी जब जरूरत है. और जब भी बाहर निकलिए, मास्क से साथ निकलिए, लोगों से दूरी बनाए रखिए, सैनिटाइजर हमेशा अपने पास में रखिए. जैसे आज मैं ऑफिस में हूँ तो ये सैनिटाइजर टेबल पे रखा ही हुआ, तो थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहिए. और सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि अपने हाथ से चेहरे को मत छूइए, है ना. निकलने में बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपनी मेंटल सैनिटी भी बनाए रखनी है. ऐसा नहीं है कि मतलब फिजिकल को बचाते बचाते मालूम चला दिमाग ही आदमी का खराब हो गया, तो ऐसा नहीं करना है. तो आप अपने चेहरे को मत छूइए. जैसे जब बाहर जा रहे हैं, आपने सब्जी छुई, ये किया, सब रख लिया, फिर सैनिटाइजर यूज कर लीजिए प्रिकॉशंस के साथ, लेकिन अपना काम करते रहे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच मेघना जी. मैम इस नोट पे आज का सेशन यस एंड करते हैं. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच मैम. आप प्लीज सेफ रहिए, आप बाहर हो, ऑफिस में हो. यस यस यस. थैंक यू. हां जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आज आप हमें ज्वाइन किए. थैंक यू सो मच. होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा. और जिनका भी सवाल हम नहीं ले पाए, वो प्लीज हेल्पलाइन नंबर हमारे या फिर हमारे केयर गिवर या फिर मैं आज 4 से 5 बजे के बीच में जो हमारा सेंट्रल ग्रुप है संजीवनी का, जिसमें आपको लिंक मिलता है, वो मैं ओपन करूंगी. आप उसमें अपने सवाल भेज दीजिए लिख के, मैं फिर वो सवाल आगे फॉरवर्ड कर दूंगी. रीना जी को भी कोई रीना जी से भी जो सवाल था आपको, तन्ना जी आपको बात करना था रीना जी से, तो आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज भेजिए, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए. कल मैं फिर मिलूंगी आप सबसे कुछ नया सीखने के लिए, आप सबको कुछ नया सिखाने के लिए. और हमेशा याद रखिए, आप हो तो हम है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं. तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, एक स्माइल दीजिए और हम फिर अलविदा कहते हैं. बाय बाय बाय. टेक केयर. बाय.